अनुराग यक्षिणी की तरफ निगाहें करते हुए कहता है, यक्षिणी मार दे इस कमीने को, मुझे नहीं लगता ये हमें कुछ बताने वाला है, मुझसे गद्दारी की सजा मौत है। प्रशांत यक्षिणी के सामने रोते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया है, चित्रा ने मुझे बताया था कि इस भक्षानर ने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें आजाद कराने के लिए ही आया था, वरना तुम ही बताओ मैं यहाँ पर इस भक्षानर के पीछे पीछे इस कमरे में क्यों आता, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लेखक बाबू नहीं बल्कि भक्षानर है। कामेश्वरी यक्षिणी खामोशी के साथ प्रशांत की सारी बातें सुनते रहती है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। प्रशांत रोते हुए बार बार कामेश्वरी यक्षिणी के सामने अपनी जान बख्शने की गुहार लगाते जा रहा था और उससे कुछ न कुछ कहे जा रहा था, पर कामेश्वरी यक्षिणी थी कि खामोशी के साथ खड़ी हुई थी, जैसे उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, उसके हाथों की डोर भक्षानर के पास बंधी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी को इस तरह प्रशांत की बातें चुपचाप सुनते देख अनुराग गुस्से से भर जाता है, उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत की तरफ हो रही है, वो प्रशांत उसका मन बदल रहा है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को घूरते हुए कहता है, यक्षिणी तू ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा मार दे इस प्रशांत को और अपनी वफादारी साबित कर। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की बात मानते हुए प्रशांत का गला पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी दोनों हाथों से प्रशांत का गला पकड़ लेती है और उसे दबाने लग जाती है। प्रशांत कामेश्वरी यक्षिणी के हाथ अपने गले से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो यक्षिणी, मुझे क्यों मार रही हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ये भक्षानर तुम्हारा दुश्मन है, मारना ही है तो इसे मारो मुझे नहीं। प्रशांत के ये बात कहने पर कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के चेहरे की तरफ अपनी नजरें तो करती है पर कुछ करती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त वो चाहकर भी भक्षानर को नहीं मार सकती थी, क्योंकि इस वक्त भक्षानर उससे ज्यादा ताकतवर है, अगर उसने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो भक्षानर उसे वापस से कैद कर सकता है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि प्रशांत को मारने के बाद ही वो आजाद हो पाएगी और भक्षानर का भरोसा जीत पाएगी, इसलिए इस वक्त उसका भरोसा जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है। प्रशांत बहुत कोशिश करता है कामेश्वरी यक्षिणी के हाथों से अपना गला छुड़ाने की, पर कामेश्वरी यक्षिणी इतने कसकर प्रशांत का गला पकड़कर रखी रहती है कि प्रशांत चाहकर भी उससे अपना गला नहीं छुड़ा पाता है। एक कारण और था गला ना छुड़ाने का, वो था प्रशांत के अंदर का डर। प्रशांत के मन में पहले ये बात बसी हुई है कि यक्षिणी डायन है, जिस वजह से वो पहले ही मन से हार कर बैठा हुआ था। अनुराग गुस्से के साथ भक्षानर की आवाज में फिर बोल पड़ता है, बस गला ही दबाते रहेगी यक्षिणी की, इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग करेगी, जल्दी मार इसे। कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत की आंखों में देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, मुझे माफ करना प्रशांत, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती पर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, अपनी आजादी के लिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने अंदर गुस्सा भरने लग जाती है। प्रशांत को कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में अपनी मौत नजर आने लग जाती है। प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए डरते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी ऐसा मत करो ऐसा। अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी अपना सीधा हाथ प्रशांत के गले पर से हटाती है और सीधे प्रशांत के सीने के अंदर घुसेड़ देती है। कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ प्रशांत के सीने के आर पार हो जाता है। प्रशांत दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है। दूसरी तरफ हाथ निकलते ही यक्षिणी का हाथ खून से सन जाता है। जब कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत के सीने से अपना हाथ बाहर निकालती है तो प्रशांत एक और बार दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है। कामेश्वरी यक्षिणी ने प्रशांत का दिल बाहर निकाल लिया था। प्रशांत इतनी कसकर चीखा था कि उसकी चीख ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग गई थी। अगले ही पल प्रशांत धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही प्रशांत का शव जमीन पर गिरता है, अनुराग कसकस कर भक्षानर की हंसी में हंसने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लग जाती है। उसके हाथ में प्रशांत का दिल जरूर था, पर पहली बार उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसे कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा था कि उसने प्रशांत को अपनी आजादी के लिए मार दिया था। अनुराग की हंसी कामेश्वरी यक्षिणी का दर्द और प्रशांत की चीख के साथ ही कामेश्वरी यक्षिणी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी योग और यामिनी के सामने खड़ी हुई है और उन्हें अपनी दास्तान सुना रही है। प्रशांत की मौत कैसे हुई थी ये जानकर कुछ पल के लिए युग और यामिनी भी खामोश हो जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों के सामने तो अभी भी वही पल गुजर रहा था जब प्रशांत अपनी जान की उससे भीख मांग रहा था
और वो उसका दिल उसके सीने से निकालने जा रही थी। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, ये आपने क्या किया माँ? आपको प्रशांत जी को नहीं मारना चाहिए था, वो तो आपको वहाँ पर आजाद कराने ही आए थे। उन्हें पता था कि अनुराग अंकल के शरीर के अंदर भक्षानर का अंश प्रवेश कर चुका है। कामेश्वरी यक्षिणी नम आंखों के साथ यामिनी को अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे पता है यामिनी बेटी, मुझे सब पता है, पर तुम ही बताओ मैं क्या करती। उस वक्त मेरी आजादी का वही रास्ता था मेरे सामने। अगर मैं उस वक्त प्रशांत को नहीं मारती तो कभी उस भक्षानर का भरोसा नहीं जीत पाती, ना ही उसकी कैद से आजाद हो पाती। यामिनी जानती थी कि कामेश्वरी यक्षिणी का कहना भी कहीं ना कहीं ठीक ही था, इसलिए वो चुप ही रहती है। युग नम लहजे के साथ कहता है, प्रशांत अंकल की ये कुर्बानी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने हर वक्त माँ की मदद की, अगर वो माँ की मदद नहीं करते तो शायद माँ भी उस भक्षानर की कैद में होती। उन्होंने ही तो माँ को कहा था कि वो ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दे, वरना वो तो वहीं पर रहने वाली थी। कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा युग, प्रशांत सच में एक बहुत नेक इंसान था जिसने अपनी जान से ज्यादा परवाह चित्रा की। एक देवर होने का फर्ज पूरे दिल से निभाया था। युग और यामिनी खामोशी रहते हैं। उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि प्रशांत के जाने का गम उन्हें अभी भी था। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से फिर पूछ पड़ती है, प्रशांत जी की मौत के बाद फिर क्या हुआ था माँ? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी और युग को फिर से अपनी दास्तान सुनाते हुए कहती है, प्रशांत को मारने के बाद मैंने उस भक्षानर का भरोसा जीत लिया और अपने वादे के मुताबिक उसने सच में मुझे उस कैद से रिहा कर दिया था, और फिर मैं उसी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहने लग गई। युग कामेश्वरी यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आप पापा के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहती थी। कामेश्वरी यक्षिणी युग की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, मैं उसी तरह भक्षानर के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहने लग गई थी। बस फर्क ये था कि पहले मैं अपनी खुशी से अपने प्यारे लेखक बाबू के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहती थी, पर अब मजबूरी में रहना पड़ रहा था, वो भी उस भक्षानर के साथ। वादे के मुताबिक मुझे उसकी सारी बात माननी पड़ रही थी। वो जो कहता था मुझे वो करना पड़ता था, वो जिसको मारने को बोलता था उसे मारना पड़ता था, वो जब साथ में सोने बोलता मुझे उसके साथ सोना पड़ता था। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है। युग तुरंत बोल पड़ता है, आप ये सब चुपचाप क्यों सह रही थी कामेश्वरी जी? आप तो आजाद हो गई थी तो आपको तो सीधे उसे मार देना चाहिए था। कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं युग, मैं उसे ऐसे ही नहीं मार सकती थी। आजाद होने के बाद मैं उतनी ताकतवर भी नहीं थी कि मैं उस भक्षानर का अंत कर दूं। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। पहले मुझे उसकी तरह ही ताकतवर बनना था। खुद को ताकतवर बनाने के लिए मैंने वापस से मर्दों के शिकार करना शुरू कर दिए थे, जिससे मेरी डायन की शक्ति बढ़ने लग गई थी, और फिर बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी उस भक्षानर को मारने का। पर एक और कारण था युग, जिस वजह से मैं उसे नहीं मार रही थी। युग कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ पूछता उससे पहले यामिनी पूछ पड़ती है, और दूसरा क्या कारण था माँ उस भक्षानर को नहीं मारने का? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मेरे लेखक बाबू यामिनी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरती है और फिर बोल पड़ती है, वो भक्षानर का अंश लेखक बाबू के शरीर में समाया हुआ था, और कहीं ना कहीं लेखक बाबू की आत्मा अभी भी उनके शरीर के अंदर जिंदा थी, और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस भक्षानर को कैसे लेखक बाबू के शरीर में से निकालूं। पर इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी चुप हो जाती है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी चुप होती है, युग पूछ पड़ता है, पर क्या कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग को पूरी बात बताते हुए कहती है, पर ये युग कि जब से मैं आजाद हुई थी मैंने लेखक बाबू से बात ही नहीं की थी। लेखक बाबू फिर मुझे कभी उनके शरीर में नजर नहीं आए थे। युग अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, मैंने कई बार कोशिश की थी लेखक बाबू की आत्मा को फिर से जगाने की, पर वो कभी जगी ही नहीं। हमेशा मुझसे वो भक्षानर ही बात करते रहता, जिससे बात करके बस मेरे अंदर गुस्सा भरता और कुछ नहीं। पर फिर वो दिन भी आया जब मैंने आजाद होने के बाद पहली और आखिरी बार लेखक बाबू की आवाज सुनी थी। युग हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, फिर कब सुनी थी आपने पापा की आवाज कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जब विराट ग्रेवयार्ड कोठी आया था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा आपने कामेश्वरी जी? विराट भाई आए थे, वो भी ग्रेवयार्ड कोठी? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, मुझे वो रात अच्छे से याद है, क्योंकि वो रात अमावस्या की थी।
लेखक बाबू को ढूंढते हुए ही विराट रूम नंबर 666 में आ गया था। उस वक्त वो टाइपराइटर पर ही कहानी लिख रहे थे। उस वक्त मैं उसी कमरे में छुपी हुई थी। मुझे उनके बीच की सारी बातें याद है। विराट जमीन जायदाद के कागजों पर साइन कराने के लिए आया था। मैं तो विराट को देखकर ही समझ गई थी कि किसी ने उस पर टोना टोटका करके उसे भेजा है। तभी वो लेखक बाबू से जिद कर रहा था उन कागजातों पर साइन करने की, और लेखक बाबू ने भी सारे कागजातों पर बिना पढ़े साइन कर दिए थे। पर जब वो साइन कर रहे थे, उसी वक्त उनकी नजर उन कागजातों में से एक कागज पर चली गई थी जिस पर उन्होंने साइन नहीं किए थे, और सीधे विराट को मना कर दिया था कि वो उस पर साइन नहीं करेंगे। युग फिर पूछ पड़ता है, कौन सा कागज था वो कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, ग्रेवयार्ड कोठी के कागज युग। विराट चाहता था कि लेखक बाबू ग्रेवयार्ड कोठी भी उनके नाम पर कर दे, पर लेखक बाबू के अंदर जो भक्षानर समाया हुआ था वो नहीं चाहता था कि वो किसी के नाम वो ग्रेवयार्ड कोठी करे, क्योंकि अब वही उसका ठिकाना था। वो वहीं से अपने मकसद को अंजाम देने वाला था, और लेखक बाबू के एक बार कहने पर ही विराट उनकी बात मान भी गया था, क्योंकि लेखक बाबू पहले ही अपनी सारी जायदाद विराट के नाम कर चुके थे। पर जायदाद नाम करने के बाद भी उनके बीच कई बातें हुई, बातें नहीं कहा सुनी हुई। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी चुप हो जाती है। युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, कैसी कहा सुनी कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग को सारी बात बताते हुए कहती है, उस रात विराट ने लेखक बाबू से कहा था कि वो ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर चले जाए। ग्रेवयार्ड कोठी क्या, कहानी लिखना ही छोड़ दे, क्योंकि यक्षिणी की कहानी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। चित्रा को तो अलग कर ही दिया था, साथ में युग तुम भी दूर हो गए थे उनसे, इसलिए विराट नहीं चाहता था कि लेखक बाबू यक्षिणी की कहानी लिखे। विराट तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि यक्षिणी होती है। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहती है, मतलब विराट इन सब बातों को अफवाह ही मानता था? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी बेटी, पर लेखक बाबू भी विराट को विश्वास दिलाने में लगे हुए थे कि यक्षिणी होती है, और उन्होंने बातों ही बातों में बोल दिया था कि एक दिन उसका यक्षिणी से जरूर सामना होगा, और जब वो होगा तब किसी को बताने के लिए भी जिंदा नहीं बचेगा कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है। असल में ये बात लेखक बाबू ने नहीं बल्कि उस भक्षानर ने विराट से कही थी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी फिर चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, विराट के वहां से जाने के बाद भक्षानर बहुत गुस्से में था, और गुस्से की वजह थी विराट का यक्षिणी पर यकीन न करना। भक्षानर ने ही उस रात मुझे हुक्म दिया था कि मैं विराट को मार दूं, और मारने से पहले उसे इतना तड़पाऊं कि उसकी जितनी अकड़ है सारी निकल जाए। वो सात जन्मों तक याद रखे कि यक्षिणी होती है, और यक्षिणी ने ही उसे एक जन्म में मारा था। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहती है, फिर आपने क्या किया माँ? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं क्या करती यामिनी बेटी, तुम ही बताओ। मैं मजबूर थी और मुझे ना चाहते हुए भी विराट को मारना पड़ा। अमावस्या की रात उसे अपना शिकार बनाना पड़ा। मुझे अच्छे से याद है, उस रात वो फोन पर अपनी पत्नी वंदना से बात करते हुए जा रहा था। उस रात उसकी शादी की सालगिरह थी। नदी पार करते वक्त ही मैं वहां पहुंच गई थी, और उसी वक्त मुझे उसे अपना शिकार बनाना पड़ा। उसे मैंने अपने रूप जाल में इस तरह फंसाया कि जब तक वो होश में आया तब तक वो अपनी मौत के पास पहुंच चुका था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।